मिले हुए हैं इसको, ये इधर नहीं चलेगा। ना मैं भागने वाले दिन पैदा हुआ था, ना मैं छुपने वाले दिन पैदा हुआ था, और मुझे पता है इस तरह के मराहल को, इस तरह के मामला को किस तरह फेस किया जाता है। ये मेरे साथ आज पहली दफा नहीं हो रहा, बहुत दफा हो रहा है। इसमें मुझे तकलीफ सिर्फ ये हुई, अगर मेरी जात की हद तक होता, मेरे बेटे की जात की हद तक होता, शायद मैं इसकी परवाह भी न करता। 25,000 काल बात है यार, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। आप में से भी कईयों की अजीजें होंगी, वो कईयों की अजीजा होंगी, मेरी अजीजा होंगी वो यार। ये हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए था हमारा, ये हमारे रवैये होने चाहिए थे कि कोई वीसी की सपोर्ट कर रहा है, कोई वीसी की मुखालफत कर रहा है। खुदा की कसम ये शहर में रहने के काबिल नहीं रहेंगे, ये गंद का ढेर है, गलाजत का ढेर है, ये शीशे के घर में बैठकर लोगों को पत्थर मारते हैं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हाँ, मेरे साथ करो जो करना है, मैं आपका बहुत पुराना जानने वाला हूँ, मैं आपको जानता हूँ, अंदर बाहर से जानता हूँ, आपकी औकात जानता हूँ, जहां से आप शुरू हुए थे मैं वहां से लेकर आपको आज तक जानता हूँ, लेकिन ये इजाजत मैं नहीं दूंगा कि आपको ये बताऊं कि भाई इसका ना सर है ना पांव, वल्ला बाखुदा ना इसका सर है ना पांव। मैं अभी भी आपको ये मैंने हद तक इज्जत का दावा कर दिया कि साफियों पर, कुछ साफियों पर मैं एक आध दिन में मेरे लीगल नोटिस भेज दें, भाई लाए ना सबूत लाए। सारी कमेटियां ये मेरे इतने मेहरबान है, इतने मेहरबान है, इन्होंने कल को कहने वो वफाकी वजीर था जी, उसने अपना असर इस्तेमाल कर दिया। मैंने चीफ मिनिस्टर को खत लिखा, मैंने उसे कहा कि इस बात को छोड़ दो, अगर मैं भी मुलव्वज़ हूं मुझे भी चौक कटहरे में लाकर खड़ा कर दो। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को लिखो कि एक जुडिशियल कमीशन बनाए और यहां पर आकर तहकीक करे कि इसकी असल मुहर्रकात क्या थे, कहां से बात शुरू हुई। ये क्या नाम है इसका, वुमन कॉलेज जो है, वुमन यूनिवर्सिटी है सादिक, उसने कहा कि मेरी बच्ची की वहां माइग्रेशन करवा दो, खुदा के लिए मेरी बच्ची की वहां पर माइग्रेशन। तो यार क्या है ये, आप लोगों को कोई एहसास नहीं हुआ, आप सिर्फ तारक बशीर चीमे को जेर करना चाह रहे थे, आप सिर्फ वो जो 4-5 लोग हैं मुझे उनका पता है किसके कहने पर चल रहे हैं, आकर इस तरह की अकात करें। या आपने आज तक जिंदगी में कभी इस तरह की बात सुनी है मेरे बारे में? आपने एक दफा तो मुझसे पूछा होता यार, एक दफा फोन कर लिया होता, एक दफा ये कहा होता कि चीमा साहब ये बात चल रही है आपका इस पे क्या। मैंने मौकफ नहीं देना था, लेकिन जब एक तमाशा लग गया कि जी भाग गया जी, छुप गया जी, ये हो गया जी, फला हो गया।